अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ समय और रहमान और आप देख रहे हैं समी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और उनके लिए मैं आज एक नई रेसिपी लाई हूँ आलू गोश्त की। तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें दरकार होंगी, ये प्याज है 2 अदद, ये मटन का गोश्त, ये 1 पाव, और ये 2 टमाटर। और मिसालों में हमारे पास है साबुत ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा 1/4 टीस्पून, और ये जो है नमक 1 टेबल स्पून, ये हस्ब ज़ायका 1 बड़ी इलायची, और 1 तेज़पात, ये 2 मिर्चें हैं लेकिन ये तेज़ नहीं है, और ये अजवाइन ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और ये है लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर, और ये हमारे पास है आलू। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप अपने प्यारे से फ्राई पैन में डालेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे, प्यारे से प्रेशर कुकर में 1/2 कप ऑयल का, और इस ऑयल को गर्म होने देंगे। तो गाइस हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें अपना प्याज डालेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, और प्याज को लाल करेंगे। तो गाइस ये हमारे प्याज लाल हो चुके हैं, हम इसमें भी डाल लेंगे नमक 1 टेबल स्पून। तो हमारा ये तोम डाल के हमने थोड़ा सा भून लिया, इसमें पानी का छिड़कना देंगे अभी। इसमें अभी जो साबुत मसाले हम ये डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे अभी। अब इसमें डाल लेंगे अपना गोश्त और इसको भून लेंगे अच्छी तरह, इसकी भुनाई करेंगे। तो गाइस ये देखें हमारा गोश्त काफ़ी हद तक हमने इसकी भुनाई की है, तकरीबन 10 से 15 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें भी हमने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर जो 1/2 टीस्पून था, और हल्दी पाउडर जो 1/4 टीस्पून था, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो गाइस देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त भुन चुका है, हम इसको पानी डाल लेंगे इसमें और इसको प्रेशर के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर पे रखेंगे 15 मिनट तकरीबन। तो गाइस देखिए हमने इसमें इतना पानी डाल दिया है, और अब इसमें इसको प्रेशर के लिए रख देंगे, प्रेशर कुकर पे ढक्कन लगा देंगे। तो गाइस देखिए हमने इसको प्रेशर पे लगा दिया है, जब से ये सीटी चलने लगेगी ये वाली, तो हम 15 मिनट तक उसके बाद 15 मिनट तक हम इसको प्रेशर के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। गाइस हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो गाइस ये देखें हमने 15 मिनट को प्रेशर लगाया था, हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे। तो हमारा गोश्त काफ़ी भून चुका है, तो हम इसमें भी डाल लेंगे आलू और इसकी भुनाई करेंगे। तो गाइस या हमने आलू भी भून लिए हैं, इसमें अभी ऐड करेंगे धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसमें। तो गाइस हमारे आलू भी पक चुके हैं, तो हम इसमें भी डालेंगे गरम मसाला पाउडर, तो इसको 3 से 4 मिनट हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो गाइस देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आलू का आ रहा है, आलू गोश्त शोरबे वाला। तो गाइस देखें हमारा सामान तैयार हो चुका है, इस पर ये धनिया डाल लेंगे थोड़ा सा, और ये है हमारे पास अदरक। माशाल्लाह तो गाइस देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा मटन गोश और आलू शोरबे वाला तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें,
और ताकि हर आने वाली वीडियो, और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।